जबूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलत वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और इफ्फी को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा।